नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी अगली जो टाइप है, यानी इससे पिछली क्लास में अपन ने पहली टाइप के सारे सवाल हल किए थे। हमारी जो पहली टाइप थी, उस पहली टाइप का नाम बताओ क्या था। तो अक्षर का कोड अक्षर के रूप में थी। आज अपन इसकी दूसरी टाइप पढ़ेंगे, उस दूसरी टाइप का नाम है क्रॉसिंग कोडिंग। बताओ क्या नाम है? क्रॉसिंग कोडिंग। बहुत ही आसान है। अब कैसे होगा क्रॉसिंग कोडिंग में? तो कुछ नहीं होगा। देखो, इसमें क्या करता है, या तो वो दो दो के जोड़े बनाए गए ऐसे, जैसे मान लो चार अक्षर का कोई शब्द है तो दो दो के जोड़े बनाएगा, इस तरीके से बदल देगा उनको, और किसी में कुछ जोड़ेगा और किसी में कुछ घटाएगा। जो अपन ने पिछली टाइप में पढ़ा है वो तो होगा ही होगा, जोड़ने घटाने का। पर या तो ये दो दो को बदलेगा, या फिर जैसे मान लो कोई पांच अक्षर का है तो शुरू के दो बदल दिए, लास्ट के दो बदल दिए, बीच वाला ऐसे कैसे लिख दिया, ये इसमें कुछ बढ़ा दिया, या फिर इस प्रकार से। आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये क्या बना दिया, ये हमें क्रॉस क्रॉस समझ में नहीं आ रहा। चार चार के पेयर के हिसाब से बनाएगा, शुरू के चार पलट दिए, जैसे कोई नौ अक्षर का है, फिर लास्ट के ये चार पलट दिए, बीच का एक बचा, इसमें कुछ घटा दिया या बढ़ा दिया। अब तुम कहोगे ये क्या हुआ, हमें तो समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे समझ में नहीं आएगा, तुम कैसे हो सकता है कि हम अपन पढ़ाए हैं और तुम्हें समझ में नहीं आए, ये हो नहीं सकता। चलो हम तो सीधा प्रैक्टिकली करते हैं, वहीं से आसानी से समझ में आएगा अपन को कि ये क्रॉसिंग कोडिंग में आखिरकार करना क्या है। तो कुछ नहीं करना। अब देखो, यहाँ क्रॉसिंग कोडिंग में मैं बताता हूँ कि तुमको करना क्या है। जैसे ये सवाल है अपना 14वां, देखो पर्सनल है। अब पर्सनल को इसने ये लिखा। अब सबसे बड़ी बात ये कि मैंने तो बता दिया तुमको क्रॉसिंग कोडिंग है, लेकिन एग्जाम में कैसे ढूंढोगे क्रॉसिंग कोडिंग है या नहीं है? कोई बात नहीं, मैंने सेट ही सवाल उस तरीके से किया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अपने आप आपको पता लग जाए। सबसे पहले नंबर लिखने का काम करना। पी होता है 16 नंबर पे, ई होता है 5 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, ए होता है 1 नंबर पे, और एल फॉर 12 है। F 6 नंबर पे, Q 17 पे, T 20, S 19, O 15, P 16, M 13, B 2 नंबर पे। सबसे पहले तो हमको नंबर लिखने पड़ेंगे भाई। अब वही तरीका जो हमारा पहले वाला था, 16 से 6, चलो मान लिया 10 कम कर दिया होगा। बताओ शुरुआत में कितने कम कर रहा है? 10। फिर देखो 5 से 17, तो यहाँ तक चलो हमने मान लिया 17 में से 5 यानी 12, अब की बार 12 जोड़ दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यानी 10 कम किए फिर 12 जोड़ दिए, ये मान लिया हमने। आगे देखो 18 से 20, दो जोड़ दिया, कोई क्रम बनी नहीं रहा भाई ये तो। फिर आगे चेक करोगे तो देखो 19 से 19, यहाँ तो कुछ भी नहीं जोड़ा है। तो मैंने आपसे ये नहीं कहा कि जैसे यहाँ करते जाए वैसे के वैसे करते जाना, मैंने आपसे पिछली टाइप में कहा था एक क्रम होना चाहिए, निश्चित क्रम था। वहाँ किसी में से 8 जोड़ रहा था, दूसरे में 5 घटा दिया, फिर अगली में भी उसने 4 जोड़ा फिर 5 घटाया, या 1 2 3 4 ऐसे जोड़ता हुआ चल रहा था, तो अपन को भी 1 2 3 4 ही करने हैं, ठीक है। अब यहाँ जब ये वाला तरीका फेल हो जाए, भाई अक्षर का कोड है तो अक्षर के रूप में, लेकिन उसमें हमको दिखाई दे ही नहीं रहा, फिर उसी की एक टाइप अलग है, उसका नाम है क्रॉसिंग कोडिंग। इसमें क्या करेगा कि वो दो दो को क्रॉस करके लिखेगा, या फिर तीन तीन को क्रॉस करके लिखेगा। तो देखो मैं समझाने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं करोगे तो मेरे इस तरह से ठीक रहेगा। ये जब तक आपकी स्पीड नहीं है तब तक ये वाला तरीका अपना लेना। देखो ये पर्सनल को मैं इधर साइड में लिखता हूँ, यहाँ लिखा मैंने पर्सनल, ठीक है। इसको लिख रहा है ये एफ क्यू टी एस ओ और पी एम बी। पब्लिक का मामला आगे देखेंगे उसको कैसे लिखना है, पहले ये चेक तो करें कि इसको ही कैसे लिखा है। तो देखो ई एफ एक जोड़ दिया, पी क्यू
एक जोड़ दिया। मैंने कहा ना जोड़ने घटाने का तो पिछले वाले सवाल की तरह ही चलेगा, कभी एक जोड़ेगा, कभी दो जोड़ेगा, कभी तीन जोड़ देगा। एस टी आर एस ओ पी एन ओ ए बी एल एम, बताओ समझ में आ गया? यही है क्रॉसिंग कोडिंग, यानी एक दूसरे को क्रॉस करके एक एक आगे बढ़ना है। तो वैसे ही यहाँ रिपब्लिक, अब रिपब्लिक में अपन क्या करेंगे, तो रिपब्लिक में वही क्रॉस करेंगे, तो ई के बाद में एफ, आर के बाद में एस, क्रॉस किया यू के बाद में वी, पी के बाद में क्यू, फिर क्रॉस किया एल के बाद में एम, बी के बाद में सी, और फिर क्रॉस किया सी से एक जोड़ूंगा डी, आई से एक जोड़ूंगा तो जे। चेक करो कौन से ऑप्शन में है, एफ एस, एफ एस सब में मिल रहा है, वी वी तक एफ एस वी सब में देखो मिल रहा है, फिर क्यू, फिर M, तो Q A आ गया इधर, ये गलत हो गया, Q M यहाँ तक सही है, C D J सारे मिल गए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या सही है, B सही है। देखो कितना आसान है, बस दिमाग लगाना है कि इसमें आपस में कैसे क्रॉस किया गया है, अगर वो दिमाग सही चला फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो ऐसे ही टाइम में देखते हैं, तो टाइम में कैसे लिखा, तो वही देखो इन दोनों को क्रॉस कर दिया है, ये है आई, इसको जे लिख दिया, टी को यू लिखा, ई को लिखा एफ, एम को लिखा एन, बताओ लिखा गया कि नहीं लिखा गया है। तो ऐसे ही अपन सेम इसको क्रॉस करेंगे और लिख देंगे, ओ के बाद में पी, बी के बाद में सी, एच के बाद में आई और टी से यू, पी सी आई यू, देखो पी सी आई यू कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी थे। अब देखो मैं इसके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ और वो बहुत शानदार तरीका आपका रहने वाला है, नहीं तो ये दो तक क्रॉस करेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये आपस में चार चार को इस प्रकार से क्रॉस करेगा, पाँच पाँच आएंगे, वहाँ आपको भाई दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अब कैसे हल करेंगे, आप देखो और भी शानदार तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे हल करना है। जैसे ये है टीचर शब्द को ये लिख रहा है, ये मिटा देते हैं, चलो ये हो ही गए अपने। अब देखो टीचर को ये क्या लिख रहा है, बी एफ यू डी एस एफ आई, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले नंबर लिखो ताकि आपको पता लगे कि इसने क्रॉस भी कैसे किया है। तो देखो टी फॉर 20 20, ई पाँच नंबर पे, ए एक पे, सी तीन नंबर पे, एच आठ पे, ई पाँच पे, आर 18 पे, बी दो नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, यू जो होता है वो 21 नंबर पे, डी 4 पे, एस 19 पे, एफ 6 पे, आई 9 नंबर पे, ठीक है बात यहाँ तक। अब देखो ये 20 आसपास संख्या देखो 21, लाइन मार दो तीन पे, इधर भी तीन पे, लाइन मारने का मतलब अंडरलाइन करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ एक का दो, देखो अब तीन का जोड़ा बना लिया इसने, पाँच से छः, बीस से 21। अब एक चीज़ ध्यान रखना, वैसे तो इसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि ये कैसे कैसे बनाता है, लेकिन ज़्यादातर सवालों में ऐसे होता है कि शुरू में जितने जोड़े बनाए हैं उतने ही जोड़े आपको लास्ट में बना लेने हैं, तो लास्ट में भी बताओ कितने जोड़े बनाओ, तीन, और इन तीनों को चेक कर लो यहाँ से। तो देखो तीनों को चेक करूँगा, अब यहाँ पीछे से 5 है ये, 5 से 6 और 8 से 9, बताओ ये तीनों का जोड़ा भी ऐसे कैसे मिला कि नहीं मिला, यानी आपस में क्रॉस कर दिया यानी पलट के लिख दिया ऐसे कैसे। रही बात बीच के दोनों की, तो देखो इनको भी पलट दिया है, एक तो यह पलटा है या नहीं पलटा है, तो चेक करो कहाँ है, ये तीन हो गए हैं, और शुरू के कितने बचे अपने, तीन, और ये एक दो तीन, बताओ एक बचा सी, सी को इसने डी लिखा है, इसका मतलब एक बढ़ा दिया है, क्लियर। तो अपन को भी वही काम करना है, तीन तीन के जोड़े बनाओ, सबसे पहले स्टूडेंट में तीन आगे के और ये तीन पीछे के। अब देखो यहाँ से एक बढ़ाते हुए चलो, यू के बाद में वी, अलग से लिख रहा हूँ मैं, टी से यू
और ऐसे एक आगे चलेंगे तो टी। रही बात ये बीच वाले की, तो मैंने आपको बताया बीच वाले में एक बढ़ा दिया, तो डी से एक आगे चलूँगा ई आएगा। अब इन तीनों को भी पलट के एक एक आगे बढ़ाना है, तो देखो पीछे से चलेंगे टी, टी से एक आगे चलूँगा तो यू, एन से एक आगे चलूँगा ओ, ई से एक आगे चलूँगा एफ, चेक करो वी यू टी ई, फिर ये वी है या नहीं है, तो यहाँ U है इसलिए ये गलत हो गया, सब में U आ रहा है तो अपन ने तो कहीं गड़बड़ नहीं कर दी। ये V देखो चेक कर लेते हैं, U के बाद में V, T के बाद में U, S के बाद में T, फिर T के बाद में ये U ही है अपना, V नहीं है U ही है, ठीक है। तो T E U O F ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। बहुत ही शानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, जंक्शन। जंक्शन को ये लिख रहा है, तो मैंने बताया आपको सबसे पहले नंबर लिखो, आसपास की संख्या का पता लगे कि दो दो के जोड़े बनाए हैं या तीन तीन के बनाए हैं या चार चार के जोड़े बनाए गए हैं। तो देखो नंबर लिखता हूँ मैं, जे 10 नंबर पे, यू 21 पे, एन 14, सी 3, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14 नंबर पे, एम 13, टी 20, आई 9, एस 19, बी 2, एम 13, एन 14, एच 8। देखो 10 से 13 समझ में आया, कुछ नहीं आया, भारत माता इसको कुछ नहीं आता, लेकिन देखो 14 एक कम किया 13, 21 में एक कम किया 20, 10 में एक कम किया 9, इसका मतलब मामला तो तीन का ही है। तो मैंने अभी बताया कि जितने यहाँ होंगे उतने ही पीछे, तो पीछे के भी तीन अब देख लो, इस तरफ से देखो पीछे के तीन, 14 में से एक कम किया 13 हो गया, 15 में से एक कम किया 14 हो गया, 9 में से एक कम किया 8 हो गया, इसका मतलब शुरू के ये तीन और लास्ट के ये तीन, इनको पलट कर एक एक कम करना है। रही बात बीच वाले दोनों की, तो देखो ये दोनों को क्या लिखा है इसने, तो देखो यहाँ ये दो बीच वाले, तो टी, टी में से एक कम कर दिया, इनको भी बदल रहा है, एक कम कर दिया एस, सी में से एक कम किया तो बी आ गया, बस वही काम करना है, सब में से एक एक कम करना है, तीन तीन के पेयर अपन ने बनाए लिए हैं। तो देखो यहाँ सी एक कम करूँगा बी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ई पाँच नंबर पे होता है एक कम करूँगा डी आएगा, डी में से एक कम करूँगा तो सी आएगा, फिर इसके बाद इन दोनों को ही पलटना है, एम से एक कम करूँगा एल, और ई से एक कम करूँगा तो क्या आएगा डी आएगा। फिर देखो यहाँ शुरुआत पीछे से करना, कहीं यहाँ से बी से एक कम करके लिख दो, नहीं पीछे से, आर से एक कम करूँगा तो क्यू आएगा, और ई से एक कम करूँगा तो डी आएगा, बी से एक कम करूँगा ए आएगा, चेक करो कौन से ऑप्शन में, बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी सब में है, फिर सी के बाद में एल, इसमें एल नहीं है, इसमें बी डी सी एल है, फिर एल के बाद में डी, बताओ इसमें है नहीं है। अब देखो इसमें एल के बाद में डी है, फिर है क्यू, फिर है पी, जबकि उसमें पी है ही नहीं, तो ये गलत हो गया, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लो, बी डी सी एल डी क्यू डी ए, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर है। और ये 18वां जो सवाल है, ये 18वां सवाल आज का आपका होमवर्क है, 18वां सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कल की क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे, तब तक आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।